फ्रेंड, मेरी क्रिसमस। आप सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज हम केक बना रहे हैं, प्लम केक बना रहे हैं। उसके लिए कैरेमल शुगर बर तैयार कर रही हूँ मैं। इसके लिए मैंने 4 चम्मच शुगर लिया है और उसको गैस पे फ्राई पैन में गरम कर रही हूँ और फिर 4 चम्मच पानी डाल रही हूँ और उसको गरम कर रही हूँ। और ये मैंने आधा ग्लास दूध लिया है, उसमें 4 चम्मच ऑयल डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1.5 कटोरी मैदा लिया है, इसको अच्छे से छान लेंगे। ये एक चम्मच वनीला एसेंस लिया है और ये कैरेमल शुगर मैं डाल रही हूँ। और ये 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच कोको पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ऑरेंज का जूस निकाल कर उसमें सारे ड्राई फ्रूट मिक्स करके आधे घंटे के लिए सोख होने के लिए रख दिए थे। अब ये मैदा लगा के मैं ऑयलिंग कर दिया है। अब इसमें केक का पेस्ट डाल दे रही हूँ। बर्तन को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है और नीचे नमक बिछा लिया है। और ये देखिए 45 मिनट हो गए, केक हमारा कितना अच्छा बेक हुआ है। देखिए कितना अच्छा केक बन के तैयार हुआ है। अब इसको ठंडा होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा केक बन के तैयार हुआ है। अब इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे और अभी क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे हम। पहले बच्चे जब छोटे थे तो नाइट में मैं उनके पलंग के पास ढेर सारे गिफ्ट रख देती थी, तो वो सोचते थे कि सेंटा क्लॉस आया है गिफ्ट देने के लिए। पर अब वो बड़े हो गए, अब उनको समझ में आता है कि मम्मी पापा ही हमारे सेंटा क्लॉस थे, उन्हीं ने ये सब गिफ्ट हमारे रखे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही हम लोग भोपाल से आए हैं तो ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन तो नहीं कर पाए थे, क्रिसमस ट्री भी नहीं ला पाए थे, तो ये घर में ही डेकोरेशन कर दिया है मेरे बच्चों ने। ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया है उनने, स्नोमैन बनाया है, ये सब घर पे ही जो था सामान उससे डेकोरेट कर दिए हैं। और आज शुक्रवार भी था तो मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत था। मैंने पूजा करने के बाद में केक बना दिया बच्चों के लिए और फिर उसके बाद में बच्चों ने डेकोरेशन कर दिया और शाम को केक काट लिया। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया आप भी कमेंट्स करके बताइएगा। अभी कुछ दिन पहले ही भोपाल से आए हैं तो सभी मिलके काफ़ी अच्छे से वहाँ पे इंजॉय करते थे, तो थोड़ा बच्चे उनको मिस भी कर रहे थे, अपने भाई बहनों को। थोड़ा खुश नहीं है अंश, थोड़ा रूठा रूठा सा था, पर फिर बाद में उसको हम लोगों ने थोड़ा सा प्यार से मना लिया तो वो मान गया। केक काफ़ी अच्छा बना था और केक काटने के बाद हम लोगों ने खाना खाया क्योंकि मेरा भी फास्ट था। ये देखिए गिफ्ट, इसमें आप सोचिए कि इसमें इतने छोटे से गिफ्ट में क्या हो सकता है, मुझे भी नहीं मालूम कि इसमें क्या है। आप कमेंट्स करके बताइए कि उसमें क्या हो सकता है। ये अंश के पापा उसको केक खिला रहे हैं। अब मैं खाना सर्व कर रही हूँ। खाने में सिंपल ही खाने बनाया था क्योंकि फास्ट था, तो पनीर की सब्जी, दाल, चावल, केक, खीर, ये सब खाने में बनाया था और अकेले अकेले इंजॉय किया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।